लोग ने शेयर किया है सो so, प्लीज हमें बताइए कि अगर आपको दिख रहा है। yes? बढ़िया है बढ़िया ओके 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 तो uh, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा मुझे पता है आज सेलिब्रेशन का डे है एंड बहुत से आइटम्स भी है आज के प्रोग्राम में आ, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनना इम्पोर्टेंट है और आज का जो वचन है मेरी आशा है कि ये परमेश्वर का दिया हुआ वचन है आप लोग सब के लिए, church, एक कलीसिया होने के नाते और सिर्फ जरा के लिए नहीं लेकिन बाकी जो दो कलीसिया भी हैं उनके साथ आके जुड़े हुए हैं आज के प्रोग्राम में और जितने भी लोग जो गेस्ट के तौर से आए हैं वहां पे सबको मैं कहता हूँ कि आई एम श्योर sure की परमेश्वर आप लोग सबसे बात करने वाले हैं आज के वचन के द्वारा देखिए हम लोग अगर बाइबल में देखेंगे तो जो जो टॉपिक्स जो है जो बार बार हम लोग देखते हैं बाइबल में ये रिपीट होते जाता है और वो है एक है कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग देखते हैं शुरुआत से उत्पत्ति के पहली वचन से हम लोग ये देखते हैं और और प्रकाशित वाक्य के आखिरी परमेश्वर के रूप के बारे में हम लोग देखते हैं हम लोग देखते हैं परमेश्वर की उद्धार के बारे में आ, बार बार पूरे वचन में और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य के बारे में हम लोग नहीं देखते कि परमेश्वर चर्च के बारे में बात करते हैं लेकिन परमेश्वर अपने राज्य के बारे में हमेशा बात करते हैं। भी चर्च या कलीसिया का जिक्र हुआ है बाइबल में एक्चुअली परमेश्वर एक, एक आ, बड़ा आ, उनका जो प्लान है हम लोग के लोकल कलीसिया के द्वारा उनके राज्य का काम बढ़ाने के लिए उसके विषय में परमेश्वर हमेशा बोलते तो परमेश्वर का जो शुरुआत से जो योजना है वो है अपने राज्य को इस धरती पे स्थापित करने के लिए और इसलिए हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने दो बेटों को चुना एक था इसराइल जो हम लोग ने हम लोग ने देखा है पहले भी जितने जो लोगों ने पहले भी हम लोग के सेशंस को अटेंड किया या जेम्स की टीचिंग्स को भी आपने सुना होगा तो परमेश्वर ने इसराइल को चुना अपने राज्य के काम के लिए और फिर परमेश्वर ने हम लोग को चुना है जो जो इजराइल के लोग नहीं है जो मतलब आउट ऑफ इजराइल के के लोग है और परमेश्वर ने बाहर के लोगों को भी जोड़ दिया है इजराइल में और ये हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग कहते हैं उसको कि हम लोग को ग्राफ्ट इन किया गया है हम लोग को जोड़ दिया गया है इजराइल में और एक चीज मैं कहना चाहता हूं हम लोग सब कि अगर कोई भी विश्वासी है यहां पे और हम लोग सब विश्वासी हैं, है कि नहीं तो हम लोग ने को हटा के हम लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं आए हैं लेकिन इसराइल के साथ जोड़ के हम लोग परमेश्वर के राज्य में आए हैं ये परमेश्वर का प्लान है ये परमेश्वर का योजना है हम लोग सबके लिए और आज हम लोग देखेंगे थोड़ा बहुत हम लोग परमेश्वर के राज्य के बारे में और और मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ खोलिए एक वचन में जो आप देखेंगे प्रेरित के काम में तीसरा अध्याय और 21 वचन मैं आ, आपको स्क्रीन पे भी दिखाए दिखाऊंगा मेरे ख्याल से ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे और यहाँ पे इंग्लिश भी कह रहा है कि ही हैज़ रिमेन इन हेवन अंटिल द टाइम कम्स फॉर रिस्टोरिंग एवरीथिंग और हिंदी में अगर मैं कहूंगा तो यहाँ पे लिखा है आवश्यक है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले तो देखिए यहां पे एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में किसके बारे में लिखा है कि उनको स्वर्ग में रहना है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु यशुआ मसीहा यहाँ पे लिखा है कि उनको स्वर्ग में रहना है तब तक जब तक जब परमेश्वर सब बातें को सुधार ना करे हम लोग सबको बहुत चिंता होता है और हम लोग सबको बहुत इंटरेस्ट है कि प्रभु यीशु मसीह वापस कब आने वाले हैं कब लौटेंगे हमें सब तैयार रहना है और हम लोग बचपन से हम लोग सीखते हैं क्रिस्टी होने के नाते हम लोग सीखते हैं राइट कि कि हमने तैयार रहना है कि प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे तैयार रहो अपनी जिंदगी को सुधार लो वगैरह और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि उनके टाइमिंग के बारे में लिखा है उनके आने के समय के बारे में लिखा है यहाँ पे नहीं लिखा है कौन से दिन पे वो आने वाले हैं लेकिन इस वचन में लिखा है कि उनको तब तक रहना है स्वर्ग में उस समय तक उनको रहना है स्वर्ग में जब तक कि वो सब बातें का सुधार ना करे जिसकी चीज की चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्य वक्ताओं के मुख से की है जो जगत के उत्पत्ति से होते आए हैं देखिए आप सोचिए इसके बारे में पे पेत्र कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह उस समय तक रहेंगे स्वर्ग में जब तक परमेश्वर सारे चीजों का सुधार ना करे देखिए सुधारना इंग्लिश में इसको कहेंगे रेस्टोरेशन और ये ऐसा चीज है कि आप इसी चीज का सुधार कर सकते हो जो पहले से था यू कैन ओनली रिस्टोर समथिंग दैट हैज एग्जिस्टेड इन द पास्ट तो ये रिप्लेसमेंट नहीं है मतलब एक चीज के बदलाव में कोई चीज आ रहा है क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में परमेश्वर खुदा परमेश्वर पुराने नियम में इसराइल के द्वारा उन्होंने अपना काम किया लेकिन नए नियम में उन्होंने वो चर्च के द्वारा सब कुछ कर रहे हैं और ऐसा कभी कभार हमें लगता है कि चर्च इसराइल की जगह पे आ गई है लेकिन ये गलत बात है ये बिल्कुल गलत टीचिंग भी है हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर अदला बदलाव नहीं करते हैं लेकिन परमेश्वर सुधार करने वाले परमेश्वर है और वो आप अपने जिंदगी में भी आप देख सकते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज है जो जो निकल गया है जो पहले था परमेश्वर उस चीज को वापस लेके आना चाहते हैं और उसी तरीके से परमेश्वर इस इस वचन से हमें कह रहे हैं कि यीशु मसीह के आने का समय तब होगा जब परमेश्वर सारी चीजों को सुधार ना करे जो पहले था उसी चीज को परमेश्वर वापस लेके आएंगे उस तरीके से और यीशु शुभ मसीह के आना उस समय में होगा जब सुधार आ जाएगी और मैं आपको कहना चाहता हूं इस समय कि आप क्यों यहां पे बैठे हैं इस मीटिंग में आप क्यों इस चर्च के सभा में आप बैठे हो जो अगर आप संजो जरा के मेंबर हो या संजो जरा के मेंबर ना हो आप क्यों यहाँ पे बैठे हो क्योंकि खुदा आपके द्वारा और मेरे द्वारा एक सुधार लाना चाहते हैं इस दुनिया में अगर आप कह सकते मेरे साथ तो आप कहिए आपके जिंदगी का मेरे जिंदगी का ये मकसद है अगर आप पूछें कि मैं मैं क्यों जी रहा हूं यहाँ पे मैं मुंबई में क्यों हूं मैं पुणे में क्यों हूं मैं कहीं पे भी क्यों हूं मैं ये मेरे जिंदगी का मकसद है कि परमेश्वर मेरे द्वारा उनका जो पुराना जो काम है जो उनने शुरुआत से किया परमेश्वर दोबारा लेके आना चाहते हैं इस दुनिया में और तब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे ये कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है मेरे दिमाग का या किसी के दिमाग का ये बाइबल में इस तरीके से लिखा है ओके तो परमेश्वर का जो राज्य है वो परमेश्वर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यीशु मसीह ने जो प्रचार किया चर्च लोकल चर्च के बारे में प्रचार नहीं किया उनका परमेश्वर के राज्य के बारे में उनका प्रचार था और इसलिए हम लोग देखते हैं सुसमाचार में का परमेश्वर का राज्य जो शब्द है एक बार लिखा गया है एक 127 बार लिखा गया है लेकिन हम लोग कितना एक्चुअली प्रचार करते हैं आज आज की जिंदगी में इसके बारे में हम लोग कितना सुनते हैं इसके बारे में हम लोग के चर्चेज में बहुत कम लेकिन अगर अगर हमें अपना जो सेवा है हमारा जिंदगी प्रभु यीशु मसीह की तरह हम लोग को जीना है या उनके तरह करना है तो हमें वही चीज करना है जो वो करते थे जिस चीजों पे उन्होंने समय बिताया उस चीज पे हमें समय बिताना है और 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 यहां पे हम लोग देखते हैं कि सुसमाचार में 127 बार परमेश्वर के राज्य के बारे में लिखा है अब परमेश्वर का राज्य कैसा होगा किस तरीके का राज्य है ये हम लोग देखते हैं कि दो प्रकार की चीजें हम लोग देखते हैं एक है फिजिकल और दूसरा है स्पिरिचुअल एक है आर्थिक और दूसरा है आत्मिक और अगर परमेश्वर अपने राज्य को को इस दुनिया पे लेके आने वाले हैं तो इसके दो चीज हम लोग देखने वाले के होगा एक है आत्मिक परमेश्वर का काम परमेश्वर का राज्य और दूसरा है शारीरिक परमेश्वर का राज्य जो एक दिन होने वाला है इस धरती पर हमें यह नहीं लगना चाहिए कि हम अगर परमेश्वर के हम लोग बॉर्न अगेन हो गए हम लोग बिलीवर बन गए तो हम लोग हम लोग राज्य में आ गए बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि तुम विश्वासी बन गए तुम राज्य में हो नहीं देखिए राज्य अभी तक आया नहीं है राज्य एक ना एक दिन आएगा इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह जब वापस आएंगे और आज हम लोग देखने वाले हैं चार लोगों के बारे में जल्दी से हम लोग देखेंगे जिनका एक रूप हम लोग देखेंगे परमेश्वर के राज्य में चार लोगों के बारे में और हम लोग सीख सकते हैं इससे कि परमेश्वर किस तरीके से करने वाले हैं इस अपना राज्य को लाना इस धरती पर और आपका काम मेरा काम आपका रोल मेरा रोल क्या होगा इस चीजों में क्योंकि आज जब जाएंगे आप अपने घर पे तो आप एक चीज अपने पास लेके जाइए कि मैं परमेश्वर का सेवक हूं बल्कि आप पास्टर हो ना हो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट क्योंकि राज्य में परमेश्वर के जब हम लोग स्वर जाएंगे तो हम कौन से टाइटल से कहेंगे कोई महत्वपूर्ण नहीं रखता है लेकिन अगर हमारी जिंदगी से फल है कि नहीं वो महत्वपूर्ण चीज रखता है तो हम लोग देखेंगे आज चार लोगों के बारे में और यहाँ पे हम लोग देखेंगे राज्य परमेश्वर का किस तरीके से आने वाला है कैसे था शुरुआत में जो हम लोग देख रहे हैं प्रेरित काम में लिखा है परमेश्वर दोबारा लेके आने वाले हैं सुधार करने वाले हैं किस तरीके से हुआ था तो पहले व्यक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे वो है राजा दवीद राजा दवीद अभी उनके समय में राज्य, का राज्य किस तरीके का राज्य था और हम लोग कह सकते हैं कि उनके नीचे उस समय जो था वो था वो एक यूनाइटेड किंगडम हम लोग सोचते यूनाइटेड किंगडम मतलब लंदन इंग्लैंड लेकिन सही में बाइबल का जो यूनाइटेड किंगडम था वो था राजा दवीद के नीचे इज़राइल का जो राज्य था जब सारे बारह गोत्र साथ में थे एक यूनाइटेड किंगडम था और परमेश्वर जब जब ये जब ये शिव मसीहा आएंगे तो दोबारा एक यूनाइटेड किंगडम एक ही साथ एक राज्य होने वाले हैं जहां पे के बारह गोत्र वापस आने वाले हैं साथ में है। उस समय हम लोग देखते कि दवीद के नीचे एक राज्य ऐसा था जो बढ़ रहा था क्योंकि हम लोग देखते कि दवीद ने युद्ध किया और शैतान के के लोगों को उन्होंने हराया फिलिस्तीन्स, अमेरिकाइट और और लोग सबको उनको उन्होंने हराया और उनका जो राज्य था वो बढ़ रहा था बढ़ने वाली राज्य था जब यीशु मसीह वापस आएंगे बढ़ने वाला राज्य होने वाला है हमें ओके okay. उस राज्य में हम लोग देखते कि परमेश्वर का अधिकार था जो राजा दवित के द्वारा था उस राज्य में हम लोग देखते हैं कि प्यार का भी राज्य था क्योंकि हम लोग बार बार देखते हैं कि हम लोग दावेद के, के में भी हम लोग देखते हैं कि जब किसी ने उसको गलत चीज भी किया दाविद ने उनकी तरफ प्यार दिखाया राइट right? दूसरे व्यक्ति के बारे में हम लोग जल्दी से देखेंगे देखिए इसके बारे में मैं बहुत डीप से बाइबल स्टडी कर सकता हूं लेकिन समय नहीं है तो मैं बहुत जल्दी से ये सब चीजें कर रहा हूं लेकिन आप घर जाके आप प्लीज और भी प्रार्थना करिए इसके बारे में ताकि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा आपको और भी सिखाए ये सब बातों पे ओके तो अभी दूसरे व्यक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे और वो है मोशे अभी आप सोचेंगे मोशे तो राजा थोड़ी ना था तो राज्य उसके नीचे थोड़ी ना था अब सोचिए मोशे इज़राइल का लीडर था वो तो एक तरीके से वो आप कह सकते हैं कि राज्य उनके तरह था इनफैक्ट अनुवाद की किताब में लिखा है कि कि ने actually, उनको उस तरीके से उठाया कि जैसे एक राजा होता है पूरे देश के ऊपर उस तरीके का आदर लोग उनको देते थे अब मोशे के समय राज्य कैसा था उन्होंने क्या किया क्या खास किया उन्होंने और हम लोग देखते हैं कि मोशे के समय में एक धार्मिक राज्य था क्योंकि परमेश्वर का धार्मिक था वो लेके आया था होली किंगडम होली जो है जो शब्द पवित्र हम लोग कहते हैं हिंदी में या मराठी में वो एक्चुअली इब्रानी भाषा में जो परमेश्वर का जो भाषा है उसमें हम लोग कहेंगे कादोष कादोष मतलब है किसी चीज को हटाया गया अलग किया गया परमेश्वर के काम के लिए जैसे पास्टर जेम्स को या रामदास पास्टर को या उत्तम पास्टर को अलग किया गया है उनके ऊपर दीक्षा दिया है गया है परमेश्वर के काम के लिए कदोष बन गए और पेत्र में लिखा है कि आप और हम जितने भी विश्वासी लोग हैं यहाँ पे सब कादोष है परमेश्वर के लिए Amen. आप और सब हम सब परमेश्वर के कदोष है पवित्र है हमले सबको अलग किया गया है उनके काम के लिए हम लोग देखते हैं कि मोशे के द्वारा परमेश्वर के राज्य के का कल्चर परमेश्वर ने लोगों को दिया लोग कहते हैं कि अरे तोरा करने का जरूरत नहीं है हम लोग नहीं कर सकते लेकिन सोचिए उसके बारे में तोरा क्या था वो था परमेश्वर के राज्य में कैसे उठना बैठना चलना फिरना बात करना किस तरीके से परमेश्वर ने हमें देखा है और जब परमेश्वर वापस आएंगे जब जब वापस आएंगे, वो ही तो रहा हम लोग को जिंदगी में जीना है कभी कभार हम लोग सो, सोचते कि यारे 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 ये सब चीजें करना मुझे ठीक नहीं लगता है अभी दीप जलाओ मेनोरा जलाओ ये, तलित पहनो ये हो ये सब क्या है क्योंकि हमारा मन एक्चुअली हट गया है परमेश्वर के वचन से तो हम लोग अपने मन से हम लोग सोच रहे हैं आपको अच्छा लगे या ना लगे जब यशुआ वापस आएंगे हम लोग ये यही सब करने वाले हैं आमेन पास yes, yes, <laughs> तो ने दुनिया को परमेश्वर के कल्चर के बारे में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जब यशुआ वापस आएंगे तो वो ही चीज वो करने वाले हैं वो हम लोग देखते हैं आयजाया की किताब में मिका की किताब में मलाकी की किताब में कि जब मसीहा आएंगे वो हमें तोरा सिखाएंगे <laughs> परमेश्वर का महिमा मोशे के समय में धरती उतरा था। था ये परमेश्वर के राज्य के बारे में और उस समय मनुष्य ने परमेश्वर को देखा मनुष्य ने परमेश्वर की महिमा को देखा आपको पता होगा कि इज़राइल के, के लोग ने परमेश्वर की महिमा को देखा जब वो लोग जा रहे थे कि सवेरे के समय में कैसा कैसा पिलर था और रात के समय में कैसा पिलर था उनके आगे जा रहा था क्योंकि परमेश्वर उनको चला रहे थे परमेश्वर की महिमा को उन्होंने देखा सिनाई पर्वत पे परमेश्वर की महिमा को उन्होंने देखा जब मोशे ऊपर था जब मोशे नीचे नीचे आया और परमेश्वर का महिमा उनके चेहरे से चमक रहा था उन्होंने देखा प्रेरित के काम में लिखा है कि परमेश्वर सब चीज को दोबारा सुधारने वाले हैं जो चीज था मोशे के समय में जो आज के दिन हम लोग देख रहे टूट क्या है परमेश्वर एक सुधार लेके आने वाले हैं तीसरे व्यक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे और वो है अब्राहम इन इंग्लिश विल से अफ्राहम मतलब जो आदमी ने कुछ शुरुआत किया <coughs> आप कहेंगे उसके नीचे कौन सा राज्य था उसके नीचे राज्य नहीं था अग्रीड। लेकिन परमेश्वर ने उनके द्वारा स्टार्ट किया शुरुआत किया उनके द्वारा जब उन्होंने बुलाया उनको इराक में से बुलाया बाहर उनको और कहा कि मेरे राज्य में जाओ मेरे भूमि में जाओ जिस भूमि के बारे में मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ इब्रानी की किताब में लिखा है कि अब्राहम विश्वास से गया एक शहर को ढूंढते ढूंढते जो परमेश्वर ने बनाया था उसके लिए विश्वास से ये आप देखेंगे इब्रानी ग्यारह में तो अब्राहम का, का जो एग्जाम्पल था वो था कि परमेश्वर ने एक बाहर उनको उनको बुलाया बुलाया उनको, उनकी भूमि में में से देश में से उनके उनके देश परिवार में से और कहा कि मेरे भूमि में जाओ जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारे द्वारा दुनिया के लोग आशीष पाने वाले हैं हाले और हम लोग देखते अब्राहम के द्वारा की लोग आए और इसराइल के लोग के द्वारा हम लोग को सब कुछ मिला है जितने भी चीज है आपके पास हमें के द्वारा मिला एक एक चीज आप सोचिए सोचिएिज्म के बारे में सोचिए आपके बाइबल के बारे में आप सोचिए दस अध्याय के बारे में आप सोचिए डेडिकेशन जो समर्पण हम लोग करते हैं बच्चों का हर चीज जो है हमें इसराइल के द्वारा मिला जो परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा उस समय शुरुआत किया और परमेश्वर ने अब्राहम को और एक चीज वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो था कि परमेश्वर के राज्य का जो नक्श है मैप बॉर्डर्स परमेश्वर ने अब्राहम को बताया था और वही बॉर्डर्स हम लोग देखेंगे कि जब यशुअम वापस आएंगे परमेश्वर वापस उसी चीज को करने वाले हैं और वहां से ये मसीहा बैठ के यूशलम से राज करने वाले हैं दुनिया में और इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को अपने देश में से बाहर निकाल के उनके देश में इसराइल देश में कनान देश में परमेश्वर उनको लेके आए क्योंकि परमेश्वर का, का, का यही योजना था चौथे व्यक्ति को हम लोग देखेंगे और वो था पहला व्यक्ति द फर्स्ट मैन और वो था आदम जो परमेश्वर का बेटा लुका के अध्याय में लिखा है कि जो है परमेश्वर का बेटा था अभी आप कहेंगे अदाम भी राजा था क्या बिल्कुल राजा था परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा कि तुम राज करो दुनिया पे गो आउट मल्टीप्लाई रूल द वर्ल्ड एक्सरसाइज अथॉरिटी ऑल क्रिएशन हर चीज के ऊपर अपना अधिकार तुम रखो तो अदम राजा था कि नहीं बिल्कुल yes. था और अदम के बारे में हम लोग क्या देखते हैं कि वो एक राज्य था जो सारी दुनिया के ऊपर था बिकॉज ही वॉज किंग ओवर ऑल थिंग्स ही वॉज द मास्टर वो सब चीज के ऊपर वो मालिक था और परमेश्वर ने सब चीज को देख के क्या कहा ये अच्छा है हिब्रू में हम लोग कहेंगे तोव तोव। तोव मतलब गुड अच्छा आप कैसे हो तोव आप कहेंगे आई एम गुड आई एम फाइन और परमेश्वर ने दुनिया को देखा जो उनने बनाया और कहा हर चीज ये तोव है अच्छा है भला है चंगा है उस समय में हम लोग देखते कि परमेश्वर धरती पर चल रहे थे अमैन जब यशुआ मसीहा वापस आएंगे तो परमेश्वर धरती पर चलेंगे आप विश्वास करते हैं क्या अमेन yes. आप और हम चलेंगे उनके साथ मीरा रोड में दहीसर में वो में जरूसलम में <laughs> हम उनको इनवाइट कर सकते हैं कि के यशो मसीह आप थोड़ा दहीसर में भी आइए मीरा रोड में भी आइए आएंगे जरूर लेकिन उनका जो राजगद्दा होने होने वाला है वो ये रुशले में होगा आदम के समय में हम लोग ने देखा था कि जिंदगी का जो पेड़ था वहां पे था परमेश्वर का गार्डन वहां पे था हम लोग को अच्छा लगता है बोरिवली नेशनल पार्क में जाओ लेकिन एक ना एक दिन हम लोग परमेश्वर के बगीचे में जाएंगे उस समय हम लोग ने देखा कि परमेश्वर का रिवर नदी परमेश्वर की नदी इस दुनिया पे था और हम लोग प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि अंत में हम लोग परमेश्वर की जीवित नदी को हम लोग देखते हैं कि जो चीज आदम के समय था वो हम लोग प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं कि वो होने वाला है क्या हो रहा है एक्चुअली परमेश्वर सारी चीज जिसके साथ परमेश्वर ने शुरुआत किया था वो प्रेरितों के काम के जो तीसरा अध्याय और 21 वचन के द्वारा जो लिखा है कि परमेश्वर एक सुधार लेके आ रहे हैं परमेश्वर वही चीज कर रहे हैं और इस समय के लिए परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में लेके आए यह है परमेश्वर की योजना आपके लिए और मेरे जिंदगी के द्वारा अब हम लोग देखेंगे कि ये सब चीजें कैसे होगा और कब होगा और ये हर चीज जो होने वाला है वो मसीहा यीशु के द्वारा ही हो सकता है और उन्हीं के द्वारा होने वाला है आमन आप अगर देखेंगे तो वो ही मसीहा है जो मोशे ने कहा उसके बारे में राइट right? वही मसीहा है जो बाइबल में लिखा है कि वो आखिरी आदम थे तो आदम के द्वारा जो हो रहा है वो यशुहा मसीहा के द्वारा होगा क्योंकि वो आखिरी आदम था मोशे के द्वारा जो हुआ था वो यीशु के द्वारा होने वाला है क्योंकि वो ही मसिया है जो मोशे ने लिखा था उनके बारे में दवीत के द्वारा जो हुआ था जो यूनाइटेड किंगडम था वो ही होने वाला है मसीहा के द्वारा क्योंकि वो दवीत के वंश का व्यक्ति है लेकिन अब्राहम के बारे में क्या सोचते हैं आप समझ रहे मेरी बात अव अंडरस्टैंडिंग जो चीज हम लोग ने देखा आदम के द्वारा वो हम लोग यीशु मसीह के द्वारा भी देखने वाले हैं कौन सी चीजें हम लोग ने देखा था ये सब चीजें जो मोशे के द्वारा देखा था वो सब चीजें होगा क्योंकि वही मसीहा है जो मोशे ने उनके बारे में बताया था जो राज्य हम लोग ने देखा दवीत के द्वारा हुआ था वही चीज होगा यशुआ के द्वारा क्योंकि वो दवीत के वंश का है लेकिन अव्राहम के बारे में क्या सोचते हैं और वो हम लोग देखते हैं इजराइल और कलीसिया के द्वारा क्योंकि अब्राहम के द्वारा इसराइल आया और नए नियम में लिखा है कि हम लोग सब अब्राहम के बच्चे हैं जो पोलोस कहता है रोमो की किताब में। तो सारी चीजें जो होने वाला है जो सुधार परमेश्वर लेके आने वाले हैं वो हम लोग देखते हैं कि अदाम के द्वारा जो हुआ था मोशक के द्वारा जो हुआ था दवीत के द्वारा जो हुआ था मसीहा में हो रहा है और जो अब्राहम के द्वारा हुआ था वो मसीहा करने वाले हैं इसराइल और आपके और हमारे द्वारा और साथ में साथ में मसीहा और बाकी कलीसिया के लोग सब साथ में एक होके एक जोड़ के परमेश्वर का जो सुधारने वाली जो काम है परमेश्वर के राज्य का जो सुधारने वाला जो काम है परमेश्वर करने वाले हैं हम लोग सबके द्वारा हालेलुया और इसलिए परमेश्वर आज आपको लेके आए है इस मीटिंग में इनके राज्य के बारे में सुनने के 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 लिए अब मसीहा ने बात किया था परमेश्वर के राज्य के बारे में वो हम लोग देखने वाले जल्दी से यहाँ पे हम लोग देखते हैं लूका ग्यारह और बीस में जब यशुआ मसीहा ने कहा कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे ऊपर आया है तुम्हारे पास आया है और वो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का जो अभिषेक है हम लोग के ऊपर अगर आप अभिषेक व्यक्ति हो तो परमेश्वर का राज्य का जो सामर्थ है वो आपके ऊपर है और मेरे ऊपर है हालेलुया लुका सत्रह और इक्कीस में लिखा है कि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर भी है अब परमेश्वर कह रहे कि तुम्हारे ऊपर है अब कह रहे कि तुम्हारे अंदर है और वो है परमेश्वर का अधिकार जो आपके अंदर और मेरे अंदर परमेश्वर ने डाला है वो अधिकार जो यीशु मसीहा में था उन्होंने अपने आत्मा के द्वारा आपके अंदर और मेरे अंदर डाला है और हम लोग मत्त की किताब में देखते हैं मत्त ग्यारह और बारह में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य स्वर्ग का राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेता है तो वायलेंट इसका मतलब क्या है इसका यह मतलब है कि परमेश्वर हमें बातचीत करने वाले लोग को नहीं बुलाया परमेश्वर ने हमें बुलाया काम करने वाले लोग बनने के लिए अरे लोहिया बैठ के लेक्चर दो बैठ के बातचीत करो मीटिंग करो ये करो वो करो परमेश्वर ने बुलाया हमें ठीक है मीटिंग्स मीटिंग अपनी जगह में ठीक है बातचीत करना अपनी जगह में ठीक है लेकिन एक्शन एक्शन मैन ऑफ काम करो आउटपुट होना चाहिए रिजल्ट होना चाहिए मैं बार बार ये चीज बोलता हूं कि जो पास्टर जेम्स ने किया लॉकडाउन के समय में हजारों लोगों को खाना खिलाना वो था परमेश्वर के राज्य का काम ये एक्शन वाले काम थे लोग बैठे हैं मीटिंग कर रहे हैं कमेटी मीटिंग बुला रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं बजट का प्लानिंग ये वो उन्होंने कहा छोड़ो ये सब मेरे पास कोई पैसा नहीं है फॉरेन से कोई पैसा नहीं आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है लेकिन मैं परमेश्वर का राज्य का काम करूंगा और ये होता है एक्शन लेना यशु मसीह ने वही कहा कि परमेश्वर के राज्य पर जोर होता है लेकिन बलवान जो है उसे छीन लेता है तो हम लोग देखते कि परमेश्वर के राज्य का जो अभिषेक है वो हमारे ऊपर है परमेश्वर के राज्य का अधिकार हमारे अंदर है और परमेश्वर के राज्य का काम हमें जाके करना है आमेन आमेन आप लोग हैं हमारे साथ <laughs> सो तो नहीं गए राइट और एक चीज और मसीह ने कहा कि प्रार्थना करो कि खुदा तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी उस चीज हो मतलब यशुआ मसीह हमें क्या कह रहे हैं कि हमें इस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए और इस तरीके से हमें जी जिंदगी जीना है कि परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में जैसा है वो ही राज्य धरती पे आए अगर हम लोग सोचें कि चर्च के द्वारा ऑलरेडी राज्य आ गया है तो वो गलत बात है क्योंकि फिर हम लोग क्यों प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन यशुआ ने अपने विश्वासी लोगों को अपने को ये कहा प्रार्थना करो कि एक ना एक दिन परमेश्वर का राज्य धरती से इस आ, स्वर्ग से इस धरती पर आ जाए अमेन आज के एनिवर्सरी के दिन संजो जैरो और आप लोग सब जो अलग अलग चर्चेस के लोग हैं वहाँ पे सोचिए इसके बारे में कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ परमेश्वर के राज्य के बारे में कुछ करने के लिए और परमेश्वर ने अपने राज्य का काम हमें दिया है परमेश्वर ने एक फिजिकल राज्य एक इस धरती पे वो स्टेब्लिश करने वाले हैं परमेश्वर का, का जो आ, आत्मिक राज्य का चीज है हमारे अंदर ऑलरेडी डाला है मसीह मसीहा द्वारा लेकिन उनका जो फिजिकल जो राज्य है शारीरिक राज्य वो एक ना एक दिन आने वाला है इस धरती पर जब यशुआ मसीहा वापस आएंगे और बैठेंगे यरूशलेम में दाविद के सिंहासन पर और सारी दुनिया के ऊपर वो राजाओं का राजा बन के वहां पे बैठने वाले हैं और इस दिन के लिए हम लोग तैयार हैं हम लोग तैयारी में हैं और हम लोग को काम करना है परमेश्वर ने इसराइल को लौटाया है वहां पे इसलिए हम लोग देखते कि कि 1948 में 48 में 1948 में परमेश्वर ने इसराइल के लोगों को वापस लेके आए यहूदी लोगों को वापस लेके आए क्यों क्योंकि वो राज्य की तैयारी में उन्होंने ये सब किया हाले परमेश्वर ने अपने भूमि को वापस लेके आए परमेश्वर ये देखिए यहाँ पे हम लोग देखते कि आइजाय की किताब में परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी की थी कि मरुभूमि में नदियां बहने लगी की। वो हम लोग देखते हैं कि डेजर्ट में परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाया कि नदी बह रहे हैं जो आयजायक ने का बताया था ये कब हो रहा है ये आज के दिन हो रहा है इसराइल में क्यों क्योंकि परमेश्वर अब तैयारी में है कि अपने राज्य दोबारा इस धरती पे लेके आने वाले हैं जो राज्य के बारे में उन्होंने अवराम को कहा था जो नक्श उन्होंने अवराम को दिखाया था वो चीज परमेश्वर कर रहे हैं परमेश्वर ने इसराइल को छोटा सा जो जो देश है छोटा सा देश बहुत से कम लोग हैं वहां पे जितने इसराइल का आबादी है वो बॉम्बे से भी कम है मुंबई शहर से कम उनका पूरे देश का आबादी है लेकिन परमेश्वर ने जो डिफेंस फोर्स उनका बनाया है वो दुनिया के चौथा या पांचवें नंबर पे है क्योंकि ये चमत्कार है। ये परमेश्वर का का है मनुष्य काम नहीं है परमेश्वर का चमत्कार है क्यों परमेश्वर सब चीज को वापस लेके आ रहे हैं जैसे शुरुआत में था हम लोग देखते पर इसराइल ने जरूसलम को वापस लेके आया जो मुसलमानों लोगों के नीचे था लेकिन परमेश्वर लेके आए इस, इसराइल और यहूदी लोगों के हाथ में क्यों क्योंकि परमेश्वर तैयारी में है क्योंकि स्तोत्र 102 और 16 और 17 में लिखा है कि जब परमेश्वर सियोन को बनाएंगे ये मतलब, मतलब यरूशलम को बनाएंगे तब वो अपने महिमा में अपने आप को प्रकट करने वाले हैं अमेन हम लोग देखते हैं कि आज के दिन हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर का जो भाषा है परमेश्वर दोबारा लेके आए हैं आज अलग अलग जगह में बॉम्बे में पूना में हर एक देश में लोग इब्रानी भाषा सीखने चाहते हैं क्यों परमेश्वर ने कहा था कि मैं अपने भाषा को वापस लेके आने वाला हूं जफ़निया की किताब में जफ़निया तीन और नौ में परमेश्वर ने यही लिखा था और मैं आपको कहना चाहता हूं कि यहाँ पे लिखा है कि एक प्योर लैंग्वेज शुद्ध भाषा दुनिया में एक ही भाषा है जिसमें गाली नहीं है और वो है इब्रानी भाषा हाल एक ही भाषा है जिसमें गाली नहीं है वो है परमेश्वर का भाषा और वो है इब्रानी और परमेश्वर लोगों को सिखा रहे हैं हम लोग देखिए आप भी थोड़ा इब्रानी बोलते हो आप शलोम जब बोलते हो वो इब्रानी है हाल लुया जब आप बोलते हो इब्रानी है और परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं अपनी भाषा जो भाषा में उन्होंने मोशे के द्वारा बात किया मोशे से बात किया मेरा विश्वास है उन्होंने आदम से भी यही भाषा में बात किया परमेश्वर वापस लेके आ रहे हैं परमेश्वर अपने लोगों को वापस ले रहे लेके आ रहे हैं जो यहूदी लोग अलग अलग देशों में हैं, उनको वापस इज़राइल में लेके आ रहे हैं क्यों तैयारी में हैं कि यशुआ मसीहा वापस आएंगे सब चीज को दोबारा परमेश्वर वापस लेना चाहते हैं परमेश्वर अपने यहूदी लोगों को के आंखों को खोल रहे हैं ताकि उन लोग यशु मसीहा को पहचानते हैं एक मूवमेंट है आज अमेरिका में बड़ा मूवमेंट है जिसका नाम है फॉर यहूदी लोग जो यशुआ मसीहा के लिए हैं और उन लोग ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें कर रहे हैं लोगों को बता रहे कि यहूदी जो मसीहा है यस मैं दोबारा बोलूंगा मसीहा जो है वो यहूदी हैं थे नहीं है और हमेशा रहेंगे हमें अच्छा लगे या ना लगे लेकिन यशुआ जो है यहूदी थे हैं और हमेशा रहेंगे वो हम लोग प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं आज के दिन यहूदी लोगों के आंख खुल रहे हैं अपने मसीहा को पहचानने के लिए तो अंत में यही कहना चाहता हूं कि देखिए परमेश्वर सब चीजें वापस लेके आ रहे लेकिन हमें क्या करना है हमारा जो Uh, उत्सुकता है वो परमेश्वर की चीजें के लिए होना चाहिए क्योंकि कुछ चीज अगर परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है तो वो आपके लिए और मेरे लिए भी होना चाहिए हमें परमेश्वर की कैलेंडर को समझना है जो इज़राइल है और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप और समय आप इज़राइल के बारे में सीखिए क्योंकि ये परमेश्वर का राज्य का काम है आप परमेश्वर का राज्य उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है और हमें तैयारी करना है यशुआ के वापस आने के लिए और यशुआ के वापस आने के लिए का जो लिंक है वो हम लोग ने देखा था प्रेरित किताब में तीन और इक्कीस में कि जब तक परमेश्वर सब कुछ सुधार ना करे तब तक वो स्वर्ग में रहेंगे और सुधारना जो है वो इसराइल के द्वारा हो रहा है हम लोग चर्च में इस तरीके से ना आए कि हम के हमें क्या मिलेगा हमें आशीष चाहिए हमें ये चाहिए वो चाहिए इसलिए मैं परमेश्वर के पास आ रहा हूं बंद करिए ऐसा सोच और इस तरीके से सोचना चालू करें कि मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ हम परमेश्वर हमारे घर में ऑटोमेटिकली आशीष लेके आएंगे जब हमारा मन परमेश्वर के काम पे होगा और परमेश्वर के राज्य के ऊपर होगा परमेश्वर खुद हमारी जिंदगी में आशीष लेके आएंगे यीशु मसीहा ने वही कहा था मत छ और छत्तीस में परमेश्वर के राज्य को पहले ढूंढो फर्स्ट किंगडम ऑफ गॉड एंड एंड ऑल ढूंढोस्ट परमेश्वर के राज्य को पहले खोजो और सारी चीजें तुम्हारे पास खुद से आ जाएंगे हम लोग पैसे के पीछे भागते हैं इसके पीछे भागते हैं उसके पीछे, पीछे भागते हैं लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा परमेश्वर के राज्य के पीछे भागो बस बाकी सब चीज तुम्हारे पास आ जाएगी तुम्हारा दिल का जो भावना है पहले उनके राज्य पे होना चाहिए और आखिर में मैं एक आपको वचन दे मैं बंद करूंगा वो है आप खोलिए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य में बाईस और सत्रह अध्याय and चैप्टर ट्वेंटी जहां पे लिखा है कि आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं आ स्पिरिट एंड द ब्राइड से कम लेट एनी वन लाइफ फ्री ऑफ चार्ज जो भी चाहता है वो जीवन का जल मुफ्त में लेके जाए हाले यहां पे हम लोग देखते हैं एक पार्टनरशिप किसके बीच में पार्टनरशिप पार्टनरशिप क्या होता है पार्टनरशिप मतलब दो भागीदारी होते हैं और यहाँ पे दोनों जो भागीदारी है एक है पवित्र आत्मा और दूसरा है दुल्हन और दुल्हन कौन है सिस्टर ट्रीजा दुल्हन कौन है आमेन, आमेन, आमेन। पास्टर उत्तम पास्टर रामदास पास्टर जेब्स आप आपकी कलीसिया हम लोग सब जो साथ में है दुल्हन और यहां पे लिखा है दुल्हन आत्मा रे और आत्मा और दुल्हन, रे दुल्हन रे दोनों साथ में ऐसा नहीं लिखा कि सिर्फ आत्मा का काम है ये यहाँ पे लिखा है आत्मा और दुल्हन दोनों साथ में कह रहे हैं तो आ आजा लोगों को जाके बोलो परमेश्वर के राज्य का काम में हमें अपना भाग्य लेना है हमें अपना हाथ बैठ, बैठा बिठाना है हमें अपना चीज करना है और इसलिए परमेश्वर आज के दिन हमें लेके आए हैं यहाँ पे मैं इसके साथ में एंड करूंगा आप जाके आप अपने घरों में बैठ के प्रार्थना करिए आज के समय में भी एक मिनट का समय लेके हम हम प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि आत्मा के, के पवित्र आत्मा मुझे तुम्हारे साथ भागीदारी करके परमेश्वर के राज्य के लिए मुझे कुछ करना है ना मेरे लिए ना मेरे परिवार के लिए लेकिन आपकी आत्मा आ, आपके राज्य के लिए मुझे कुछ करना है धन्यवाद। जेम्स, सिस्टर 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 रोजी, सिस्टर मीना और पूरा जो लीडरशिप है संजोक का और आप लोग सब जो बैठे यहाँ पे और जिन्होंने भी ऑनलाइन ज्वाइन किया सबको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आज आपने हमें जो मैसेज परमेश्वर ने दिया आपने सुना आई होप आशीर्वादित रहा आप लोग सबके लिए एंड आप लोग सबकी जिंदगी में एक नया डायमेंशन लेके आए हैं कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम चंद्रा फैमिली एंड फ्रॉम ऑल ऑफ अस एंड मे गॉड ब्लेस यू शलोम शबाद शालोम